हेलो एंड वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूं आराधना, आपके साथ बिग बॉस के घर में क्या होगा थर्सडे के एपिसोड में यही बताएंगे हम आपको हमारे इस वीडियो में। क्या बताऊं, वही तो प्रीकैप आया था जो आप लोगों ने एक दिन पहले देखा था, यानी कि वही विक्की कौशल आएंगे घर में अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए, घर वालों को डराएंगे, पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला को टास्क मिला हुआ है, शहनाज डर जाएगी और आरती डर जाएगी, माहिरा डर जाएगी, इविक्शन होगा, माहिरा चली जाएगी, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। लेकिन इसके अलावा क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं वो चीज़ें जो आपको नहीं पता है, वो चीज़ें जो प्रीकैप में नहीं थी। अब घर में बचेंगे 6 सदस्य। जी नहीं, आरती घर से बेघर नहीं हो रही हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है कि कहीं ना कहीं सलमान के से दबाव होगा बिग बॉस के मेकर्स के ऊपर, इसलिए आरती को घर से बेघर नहीं किया जा रहा है और टॉप 5 की जगह इस बार टॉप 6 कंटेस्टेंट्स जा रही हैं फिनाले में। जी हाँ, अच्छा वो तो हमें पता ही है कि अब आरती निकलेगी, आरती के बाद पारस, पारस के बाद रश्मि, रश्मि के बाद असम, असम के बाद शहनाज और फिर बचेगा सिद्धार्थ शुक्ला। खैर छोड़िए, उसके अलावा क्या होगा खास, अब घर वालों को दिखाया जाएगा उनका वीडियो, उनका वो वीडियो, उनकी पूरी जर्नी बिग बॉस की, और वो सबसे इमोशनल कर देने वाला लम्हा होता है। अगर बिग बॉस सीजन 13 की ही बात करते हैं तो जब सलमान खान अपनी जर्नी देखने आए थे 10 साल की, तो सलमान इमोशनल हो गए थे। सलमान पर्सनली मैं उनसे कई बार मिल चुकी हूँ और बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान है, जैसे दिखते हैं ना वो एक्चुअली में वैसे हैं। बहुत से ऐसे सेलेब्स होते हैं जो जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं हैं, और जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने। जैसे ही कैमरा बंद होता है तो उनका असली रूप कुछ और होता है, लेकिन सलमान का असली रूप जो कैमरा रोल होने पर होता है वही कैमरा बंद होने के बाद भी होता है। बहुत नेक इंसान है और बहुत ज़्यादा दान पुण्य में विश्वास रखते हैं, कुछ भी सर्कमस्टांसेस रहे हों, लेकिन मैं ये कहूँगी सलमान अच्छे इंसान है। खैर, सलमान तक की आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि कहते हैं लड़के अक्सर होते नहीं। अब ऐसे में तो ये सभी घर वाले बहुत इमोशनल होने वाले हैं। माहिरा तो चली जाएंगी, जर्नी किस किस को देखने को मिलेगी, सिद्धार्थ देखेंगे, शहनाज देखेंगी, रश्मि, असम, आरती। और एक चीज़ सिद्धार्थ के फैंस के लिए एक एक स्पेशल सरप्राइज है, सरप्राइज मैं खोल देती हूँ आप सबके सामने। सरप्राइज ये है कि सिद्धार्थ की मूवमेंट्स का अलग से वीडियो एडिट हुआ है। खबर 80% कंफर्म है, 100% मैं आपको कल दिन में कोशिश करूंगी कंफर्म कर दूं। और इनके सच में खड़े मीठे पलों को देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सिद्धार्थ की जर्नी को देखना, जैसे असिन के साथ इनकी दोस्ती हुई, मुझे लगता है कि मैंने उस मूवमेंट को बहुत इंजॉय किया है एज अ व्यूअर, एज अ जर्नलिस्ट, जब सिद्धार्थ और असिन दोस्त थे, जय वीरू की जोड़ी थी, बहुत अच्छे लगते थे दोनों साथ में। दोस्ती खराब हुई, लड़ाई हुई, लड़ाई में टीआरपी जरूर आई लेकिन उस चीज को देखने में उतना मजा नहीं आता जितना पहला आता था। उसके बाद सिद्धार्थ और शहनाज का रूठना मनाना, शहनाज का तारीफें सुनना, तू मेरी तारीफ के करता रहे बस, चुप मत हो तू, और स्पेशली शहनाज का वो कौवे को देख के काव काव करना, और रश्मि के थोड़ा इमोशनल हो जाना जब वो दोनों बच्चे उससे मिलने आए थे, और असिम रियाज का मैं कहूँगी उनका सबसे अच्छा मोमेंट मुझे लगा था जब उन्होंने वो थे ना अरहान, माफ कीजिएगा, मिस्टर मलिक, अबू मलिक, उनके साथ बैठ के वो जो टास्क किया था जब उनके ऊपर खूब गंदगी गिरती रही पर उन्होंने अबू मलिक का हाथ नहीं छोड़ा था। बहुत अच्छी अच्छी मूवमेंट्स बिग बॉस के घर में। पारस की मुझे सबसे अच्छी मूवमेंट लगती है जब उनके सिद्धार्थ के साथ दोस्ती हुई, बहुत चेंज आया है पारस के। तो ये सभी मूवमेंट्स गाइज हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। कितने एक्साइटेड हैं आप सिद्धार्थ के लिए, तो आपको मतलब सिद्धार्थ के ऐसी मूवमेंट्स देखना सच में इट विल बी ट्रीट फॉर देयर फैंस आइज। असिन के फैंस को बहुत अच्छा लगेगा असिन का वीडियो देख के, और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस तो पागल हो जाएंगे क्योंकि जो सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस हैं उनके कट्टर फैंस हैं। वेल गाइज, आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिग बॉस की हर खबर को जानने के लिए देसी पटाखा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। बाय गाइज।